हेलो नमस्कार प्रणाम पलाग, आप सभी को स्वागत है आपको सुजाता किचन में। आज हम का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 16 से 18 मैंने यहाँ पे आंवले लिए हैं। आंवलों को मैंने साफ करके धो लिया है। मेरे पास यहाँ पे छोटा वाला आंवला है। जब भी आप आंवला मुरब्बा के लिए लें तो आप बड़ा साइज का ही आंवला लें, मेरे पास छोटे साइज का है, तो हम इसी से आज बनाएंगे। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आंवलों को हम स्टीम करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया है 2 गिलास पानी और रखते हैं उसके ऊपर छलनी। स्टीम करने से सारे पोषक तत्व आंवले में बने रहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आंवले का मुरब्बा बना के तैयार करेंगे, तो इन्हें स्टीम कर लेते हैं। अब हम इसे कवर कर लेते हैं। आंवले को स्टीम करने के लिए पानी बॉईल होने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर लेना है। लो फ्लेम में आंवले को स्टीम करना है। 8 से 10 मिनट में आंवले स्टीम हो जाते हैं, तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम आंवले को चेक कर लेते हैं और चाकू से इस तरीके से इसमें चेक करेंगे। चाकू से ये देखिए, चाकू इसमें अंदर तक चला जा रहा है। ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं। आंवले को अब हल्का ठंडा होने देते हैं। आंवले भी अब हल्के ठंडे हो गए हैं, तो इनमें अब हम स्पून से या फिर टूथपिक से, आप इसमें इस तरीके से हमने इसमें होल कर लेने हैं, इस तरीके से निशान लगाने हैं। मुरब्बा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इसके अंदर तक चाशनी चले जाती है। सारे ही आंवले को हमने स्प्रे कर लिया है। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन अच्छे से हो जाता है। गैस को ऑन करके मैंने कढ़ाई ले ली है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, जब भी आप आंवले का मुरब्बा बनाएं तो उसे स्टील की कढ़ाई में ही बनाएं, एल्युमिनियम की या फिर लोहे की कढ़ाई में उसे ना बनाएं। तो अभी मेरे पास ये कढ़ाई है तो मैं इसी में बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई है तो आप स्टील की कढ़ाई में ही आंवले का मुरब्बा तैयार करें। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 बाउल चीनी। इसे ऐड कर लेते हैं कढ़ाई में। चीनी के ऊपर से ऐड कर लेंगे आंवले। चीनी और आंवले को मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंवले का मुरब्बा सालों साल चले, खराब ना हो, स्वाद हमेशा इसका अच्छा बना रहे, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें एक चीज हम डालेंगे जिससे आपका आंवले का मुरब्बा सालों साल खराब नहीं होगा। तो अभी हम इसे मिक्स करते हैं। चीनी और आंवले को डालने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम में हम इसे 5 मिनट के लिए कर लेते हैं कवर। 5 मिनट में हम इसे वापस से चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो कवर को हटाते हैं। चीनी मेल्ट होने लगी है, ये देखिए, और जैसे जूस बाहर आएगा और चीनी का पानी अंदर जाएगा। इसे हम मिला लेते हैं। अब हम लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, मिक्स करेंगे, वापस से कर लेते हैं कवर और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमने कवर को हटा लिया है और चाशनी को करते हैं चेक। चाशनी को चेक करने के लिए एक बर्तन में डालते हैं 1-2 ड्रॉप, हाथ में लेंगे और इस तरीके से इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए, एक तार की बढ़िया चाशनी बन रही है, इतनी हमें चाशनी इसकी चाहिए। तो गैस की फ्लेम को कर लिया है बंद। हम लेते हैं यहाँ पर, मैंने 18 से 20 यहाँ पे ली है काली मिर्च क्रश करके ली है, आप पाउडर भी ले सकते हैं। 4 इलायची ली है, इन्हें ही मैंने 20 से तोड़ के लिया है क्रश करके हल्का सा। अगर आप काली मिर्च और इलायची नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। अब लेते हैं 1/2 चम्मच काला नमक। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें एक और चीज जिससे ये आपका आंवले का मुरब्बा सालों साल खराब नहीं होगा। ये साथ में कहती हूँ, आंवले का अचार आपका इस एक चीज को डालने के बाद सालों साल खराब नहीं होगा, और ये है वाइट सिरका विनेगर। हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच। सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। आने के बाद से ज्यादा देर हम गैस में कढ़ाई में नहीं रखेंगे, से निकाल लेते हैं हम बर्तन में। आंवले का मुरब्बा अभी तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन इसे रख देते हैं। 6 घंटे बाद ही हमने आंवला को चेक किया है, तो ये देखिए बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा ये लग रहा है। इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल रसगुल्ले की तरह है।
रेसिपी की ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जूस जब बच जाए तो उसके आप शरबत बना के पी सकते हैं जो बहुत ही हेल्दी होता है और इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है मुरब्बा। तो भी रेसिपी पसंद है तो रेसिपी को लाइक शेयर करें। मिलते हैं काफ़ी नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। एक आंवले को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें से रस भी ऐसे निकल रहा है रसगुल्ले की तरह और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, ये देखिए।